दुमका के प्रखंड कार्यालय में आदिवासी युवकों के साथ मारपीट करने, अपने कार्यालय कक्ष में बंधक बनाकर रखने और जाति सूचक गाली देने का आरोप में दुमका सदर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा के विरुद्ध SCST थाना दुमका में प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। वहीं पुलिस इस मामले में गहनता से जाँच कर रही है। दुमका प्रखंड क्षेत्र के बेराबाग पंचायत के गुहिया जोरी गांव के विल्सन मराड़ी नाम के युवक ने आवेदन दिया कि दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश सिन्हा के द्वारा आदिवासी युवकों के साथ मारपीट करने की घटना 29 दिसंबर को की गई है। विल्सन मराड़ी ने थाने में दिया आवेदन में कहा है कि 29 दिसंबर को अपने दोस्तों रविन्द्र मुर्मू के साथ धान बिक्री से संबंधित जानकारी लेने के लिए दुमका प्रखंड कार्यालय आया था। वो बीडीओ आवास के पीछे झाड़ी की ओर पेशाब करने लगा। इस बीच बीडीओ के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए उसके साथ गाली सूचक बात करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। तो दोस्त के साथ गए थे सर ब्लॉक, ये धान मतलब कहाँ बेचना नहीं बेचना है सब के मामले मतलब जानकारी लेने के लिए तो गए थे। तो घर के जो पाखिर है उसके बगल में ही तो देखिए इधर सर मोटा हुआ था उधर हम पेशाब करने लग गया तो वही देख करके शायद और उसके साथ साथ ही मतलब फोन पे लगे हुए थे वो जो कर्मचारी है रामाकांत गुप्ता उसी के साथ हम बात कर रहे थे। तो बात करते ही मुझे पूछे कि कहाँ क्या करना होगा नहीं करना होगा। उसने बताया कि हाँ जाइए के पास अच्छा सचिव वाले के पास और पता कर लीजिए पूछ के सारा जानकारी मिल जाएगा। तो उसके बाद नचाने लगे, आने के बाद वहाँ एक आदमी देखे हम पता नहीं कौन था उन्हें गए तो आने के बाद तो बोले कि क्या है इधर मुद्रा का जगह है क्या। नहीं सर मुद्रा का जगह तो लग भी रहा है ऐसे इधर एक दो जगह देख कर कहीं किए बहुत किए वैसे तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ साफ जगह। आपका नाम बता दी विल्सन मरांडी। अच्छा ठीक। रात 29 दिसंबर को कोदो पिछा गुहा जोरी का पेहरावक पंचायत का एक लड़का मेरे घर आता है रात में 10-11 बजे के लगभग दो तीन लड़का के साथ में और हम नहीं थे कोई शादी प्रोग्राम में थे तो वहाँ पर लोग गया। इसके बाद हमको बताया ऐसे से बात है दूसरे दिन अगल बगल गांव का आदमी सब जमा हुआ कि वीडियो साहब इस तरह एक लड़का के साथ क्या दुर्व्यवहार। तो इसके बाद उस लड़का ने अपना जो भी था लिख करके SCST थाना में हालांकि जाति सूचक गाली दिया। हम उसका आवास के बगल में उधर पेशाब कर रहे थे तो हम वो भी नहीं जा रहे थे कि उसका घर है या वीडियो साहब कौन है तो वह पीछे से आया और मरने लगा गाली गलौज करने लगा जाति सूचक। चला तुम पहले नाम पूछा बोला कि बताया लड़का हमको कि पहले नाम पूछा नाम पूछने के बाद जब देखा कि ये आदिवासी या संथाल है तो फिर वही गले गले करने लगे तुम लोग अनपढ़ सौतार संथाल कई पद पेशाब करते हो पर कोई धान खरीद बिक्री नहीं होता है धान से खरीद बिक्री संबंध में अपना पंचायत के राजस्व कर्मचारी से फोन पर बात कर रहा था इसे हमको बताया और इसके बाद वो अपना आवेदन दे दिया लड़का बताया फिर उसको कैसे कैसे करके यहाँ लाया कार्यालय में पहले नीचे बैठाया नीचे के बाद फिर उसको गार्ड के माध्यम से फिर ऊपर ले गया फिर वहाँ भी उसके साथ उसका साथी के साथ कुछ अभद्र घटना घटा जो नहीं होना चाहिए उसको गर्दन पकड़ करके जैसे बोला गर्दन पकड़ करके टेबल पर धकेल दिया बुला करके अंदर में अपना कार्यालय। तो एक एजिटेट पदाधिकारी से ये सब अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ गंवार लोग तो है ही रहते हैं संथाल तो और यहाँ निरी तो है संथाल परगना सबसे पिछड़ी है तो यहाँ अपेक्षा ऐसा एजिटेट पदाधिकारी से नहीं होती है। और जबकि उस स्थिति में यहाँ एजिटेट पदाधिकारी भी यहाँ का जो भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए जबकि ये एग्जाम पास करते हैं उस भाषा से ताकि आप यहाँ के लोगों से बात विचार कर सके उसको समझा सके
और इस तरह का घटना बड़ी पदाधिकारी से वीडियो साहब से ब्लॉक का जो सुप्रीम है तो अच्छा नहीं है, निंदनीय है। तो ये संथाल समाज या पूरा कोई भी समाज की ये हिस्सा नहीं है और इस पर अगर केस हुआ है तो उस पर जांच के उपरांत उसका कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग का आदिवासी संगठन का ये मांग है। वहीं इस मामले में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि पिछले एक दिन पहले मामला दर्ज होने की बात पता चली है। उनके द्वारा कई मामले प्रखंड स्तर से उजागर कर कार्रवाई की गई, जिसके तहत उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। युवक आया था जिसे अच्छे व्यवहार के साथ उनके आवेदन को लेकर उन्हें भेजा गया था, जो प्रखंड सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। हम उसे पहले से भी नहीं जानते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई हो। युवक कब्जा में मुझे पता चला है कि SC ST थाने में FIR दर्ज हुआ है और जो आरोप लगाया गया है, जो प्राथमिकी में जो रिटर्न कंप्लेन है इन्फॉर्मेंट का, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। उसके अनुसार कोई घटना घटा नहीं, उसका प्रमाण है कि हमारे ऑफिस में लगा हुआ है CCTV फुटेज, कर्मचारी लोग थे, बाकायदे उनका आया था और उसको हम लोगों ने मदद ही किया। जो भी उसके संबंधी समस्या थी उसको फॉर्म वॉरम देख के उसको यहां से हम लोग भेजे, उसको मदद ही किए, कोई उसके प्रति कोई दुर्भावना था नहीं और न तो पहले से उसको हम जानते थे। अभी किन कारणों से हुआ और ये क्यों इस मामले को तूल दिया गया, जहां तक मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग मोटिवेटेड है इसके लिए, चूंकि अब पिछले 1.5 साल से प्रखंड में कार्यरत है और कई तरह के बिचौलियों का और दलालों का हमने प्रखंड से हटाया है, कई तरह के मामले हमने पकड़े हैं यहां पर जिस पर FIR भी हुआ है, तो हो सकता है कि उन लोगों का भी साजिश हो जो हमको हटाना चाहते हो यहां से। लेकिन हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई भी हो। वहीं आवेदन के बाद पुलिस द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342, 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1) RSP के तहत केस दर्ज किया गया। वीडियो पर केस दर्ज किए जाने की पुष्टि दुमका SDPO द्वारा की गई। SDPO ने कहा कि आवेदन के बाद अनुसूचित जनजाति थाने में मामला दर्ज किया गया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद जो भी फैसला आएगा उससे अवगत करा दिया जाएगा। दुमका से अगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। सदर वीडियो के आरोप लगाया गया है कि मारपीट और गाली सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उसी के आधार पे हम लोगों ने कांड दर्ज किया हुआ है और अभी उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी फलाफल होगा उस पर अवगत करा दिया जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।